नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। लगातार स्टूडेंट्स अभ्यर्थी ट्विटर पर आंदोलन करते रहते हैं, अपनी मांगों को लेकर सामने आते हैं। आपको बता दें कि कई दिनों से स्टूडेंट्स लगातार परीक्षाएं लेने के लिए, काउंसलिंग डेट निकालने के लिए तमाम मुद्दों पर ट्वीट करते हैं। चाहे हम बात कर लेते हैं बिहार में तमाम परीक्षाओं के बारे में या फिर पूरे देश भर में रेलवे परीक्षाओं के बारे में। अब ट्रेंडिंग पर चल रहा है RRC ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट, और सुबह से ही लगातार छात्र जो है वो ट्वीट करते नज़र आ रहे हैं। और आपको बताएं कि इनकी मांग है कि जल्द से जल्द जो है एग्ज़ाम डेट दे दिया जाए। रमेश प्रसाद लिखते हैं, फॉर्म फिलअप पिछले 2.5 साल पहले करवा कर आखिर क्यों? RRB चुप्पी साधे हुए है और कितना खिलवाड़ करोगे इन छात्रों के करियर के साथ, कृपया इनके एग्ज़ाम डेट जारी करो। इसके बाद वरुण लिखते हैं, 2.5 ईयर्स पास्ड सिंस द नोटिफिकेशन ऑफ RRB ग्रुप डी के वैकेंसीज अनाउंसड बिफोर 2019, इलेक्शन स्टिल नो एग्ज़ाम डेट्स अनाउंसड, इंस्टीड ऑफ 1 ईयर साइकिल इट हैज़ बिकम 5 ईयर प्रोसेस, कांट वेट टिल 2024 इलेक्शन। इसके बाद नीरज कुमार ने भी एक यही ट्वीट किया है, मेंशन करते हुए अभिनय मैथ्स के ट्वीट को। वो लिखते हैं, अगर आप देश का तीव्र विकास चाहते हो तो आपके देश के युवाओं का विकास अति आवश्यक रूप से होना। ये अभिनय शर्मा लिखते हैं और इसी को हैशटैग में डालकर नीरज कुमार ने रीट्वीट किया है। और फिर बेरोजगार सन्नी कुमार लिखते हैं, प्लीज सर RRB ग्रुप डी का एग्जाम डेट की मांग करें, हजारों युवा आपसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं, एग्जाम डेट नहीं देने से क्या युवा सुसाइड कर रहे हैं? कई युवा सुसाइड कर रहे हैं। RRB ग्रुप डी फॉर्म 2019 में आया था, 2021 तक कोई एग्जाम नोटिस नहीं आया है, प्लीज सर सपोर्ट इंडियन यूथ। उत्तम कुमार लिखते हैं, फ्रेंड्स दिखा दो इनको रेलवे छात्रों की यूनिटी और पावर। अश्विनी वैष्णव जी एंड RRB, अब तो ग्रुप डी एग्जाम डेट पर चुप्पी तोड़ दो। 2.5 साल का इंतज़ार खत्म कर एग्ज़ाम कराए छात्रों की भावनाओं से खेलना बंद करो। तूफान कुमार लिखते हैं, RRC ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप पिछले 2.5 साल पहले करवा कर आखिर क्यों आप चुप्पी साधे हुए हैं? कितनों के साथ खिलवाड़ करेंगे इन छात्रों के करियर के साथ, कृपया अब एग्ज़ाम डेट जारी कर दें। इसके साथ ही एक ट्वीट है जिसमें लिखा है, स्पीड ऑफ RRB रिक्वायरमेंट प्रोसेस, स्पीड ऑफ लाइट, और नीचे में टॉर्टोइज की फ़ोटो डाल दी गई है। फिर वही ट्वीट करते हैं कि आई नो इट्स हार्ड टाइम फॉर एवरी एस्पिरेंट हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, बट दैट्स द टाइम वेन यू विल गेट द चांस टू अचीव योर गोल्स, टू गेट योर ड्रीम्स, सो कीप ट्वीटिंग। और बहुत सारे ऐसे ही ट्वीट्स किए गए हैं RRB ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट को लेकर। आपको बताएं कि यह नियुक्ति के लिए जो नोटिस है 2019 में जारी की गई थी, और अब 2021 ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया है, सितंबर माह आ चुका है और अभी तक इसको लेकर कोई दूसरा नोटिस जारी नहीं किया गया है। कई ऐसे लोग हैं जो ख्वाब सजाते हैं, तैयारियां करते हैं रेलवे जैसे एग्ज़ामों के लिए, अब एग्ज़ाम्स ही नहीं लिए जाएंगे तो उनके ख्वाब कहाँ से पूरे होंगे? और यही स्थिति लगभग बिहार के हर बेरोजगार युवा की है। वो लोग जो सक्षम भी होते हैं वो भी नौकरी नहीं कर पाते हैं। ऐसे में हम बात करते हैं अपने देश की, तो हमारे देश में ह्यूमन वैल्यू की तो कमी है ही है, और साथ ही साथ हम साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार की इज्जत पढ़े लिखे विद्यार्थियों को, बेरोजगार युवाओं को दी जाती है। कोई सिंपथी नहीं है। आप इलेक्शंस करवा सकते हैं, सब कुछ कंडक्ट करवा सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन प्रोसेस आप फास्ट नहीं करवा सकते, क्योंकि पता नहीं शायद ये आपको आता ही नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पीआर के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।